मैं डॉक्टर एचपी सिंह, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद से 2012 में रिटायर हुए, चेयरमैन कन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर को चला रहा हूँ एज ए चेयरमैन, और अमित सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के साथ भी जुड़ा हूँ। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका, कि लोगों में खुशहाली कैसे लाई जाए, लोगों में टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाई जाए, लोगों की माली हालत यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जाए, इसी मुख्य उद्देश्य से चलते हैं। और इसी मुख्य उद्देश्य से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान किसानों तक पहुंचाने के लिए हम तरह तरह की संगोष्ठी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। यह भी एक संगोष्ठी और एक कॉन्फ्रेंस है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य इस बार का हमारा चिंतन का जो विषय है कि किसानों की आमदनी को 2022 तक कैसे डबल किया जाए, ये इसका मुख्य चिंतन है, जिसमें हम हर चीज़ों पर बात करेंगे कि किस तरह की वैरायटी निकाली जाए, क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसके प्रोटेक्शन में क्या किया जाए, फिर नई वैरायटीज, फिर हेल्थ मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, उनकी पौधे में जो अगर कोई कीट बीमारी लगती है उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इंश्योरेंस के बारे में, इन सभी चीज़ों का हम चिंतन 3 दिनों तक करेंगे, जिसमें कि बड़े बड़े वैज्ञानिक दूर दूर से आए हुए हैं, अपने पत्र, अपने जो रिसर्च पेपर हैं उनको पढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी भी इसके द्वारा आ सकती है और नया ज्ञान का पैदा होगा, और वो हम तीसरे दिन इस सभी ज्ञान का मंथन करने के बाद एक रिकमेंडेशंस बनाएंगे, जो कि गवर्नमेंट, जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, किसान हैं, इन सब तक हम इसको बांटने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो लोग भी बाहर से किसान आए हुए हैं उनको मौका मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी को देखें, साथ साथ और दूसरे वैज्ञानिक से मिलें, और किसान जो अच्छे किसान आए हुए हैं उनसे मिलें, और ज्ञान का आदान प्रदान होगा, और इस तरह से उनमें प्रगति हो सकती है, यही सोच के इस कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है। और आपकी यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत की, वो इसको होस्ट कर रही है।